हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टैक्स रेट की, और आइटम भी अलग अलग और टैक्स रेट भी अलग अलग। तो जीएसटी जो हम लगाते हैं, एक तो सेम रेट से लगाते हैं और दूसरा अलग अलग टैक्स रेट भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ये कैसे होगा, चलिए ये देखते हैं। क्वेस्ट के आधार पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। रामा एंटरप्राइजेस ये हमारी कंपनी है और इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंट टैक्स रेट रखना है। इससे भी पहले जीएसटी ऑप्शन चालू करने के लिए कीबोर्ड से F11 की प्रेस कीजिए और यहां से आपको आ जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे। यहां पर जीएसटी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको आपको वाई प्रेस करके इंटरफेस करना है, ये यस हो जाएगा। फिर वाई प्रेस कीजिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को, ये भी यस हो जाएगा। अब यहां पर ये इस तरह का कुछ आप सारी चीजें डाल दीजिए और यहां पर आ जाइए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को, यहां पर इंटरफेस कर दीजिए और यहां पर 18% के हिसाब से बाय डिफॉल्ट मैंने जीएसटी लगाया है। ठीक है, मैं इसको 28% कर देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28%। अब ये 28% जीएसटी हमने अप्लाई कर दिया है। अब हम बात करेंगे कि हम अलग अलग आइटम पर अलग अलग टैक्स रेट कैसे लगाएं। तो यहां पर आ चुके हैं हम पेमेंट वाउचर में। हमें कहां जाना है, हमें जाना है सेल्स वाउचर में। देख लेते हैं कोई आइटम अगर हमारे पास मौजूद होगा तो हम उसको सेल करेंगे, अदरवाइज फिर परचेज वाउचर में चलेंगे। यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पर पार्टी का नेम आएगा, तो देखिए यहाँ पर डेटर पार्टी का नाम आएगा, तो यहाँ पे अविनाश डी, ये नाम जो है डेटर पार्टी का है, ये मैंने ले लिया है। एंटरप्रेस करता हूँ, एंटरप्रेस करता हूँ और एंटरप्रेस करके इसको करा लेता हूँ एक्सेप्ट। अब यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर पर्टिकुलर आ रहा है, नेम ऑफ आइटम तो शो ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको अल्ट के साथ आई प्रेस करना है। आइटम मोड में आप आ जाएंगे। ठीक है, आइटम मोड में आने के बाद इसको कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे सेल्स का लेजर आएगा, बनाया नहीं है, तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके सेल्स का लेजर हम बना लेते हैं। सेल्स अकाउंट कर देते हैं, ये हमने कर दिया। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से सेल्स अकाउंट कर देंगे। एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे, एंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पर एंटरप्रेस करते हुए इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आइटम की लिस्ट आपको डालनी है। जैसे 1400 आइटम कीबोर्ड के मौजूद हैं, तो ये 1400 में से 1300 आइटम हम सेल कर रहे हैं और एक आइटम हम बेच रहे हैं 370 रुपए का। ठीक है, तो एक कीबोर्ड 370 का, तो उसके हिसाब से टोटल आ गया अमाउंट। अब देख लेते हैं और कौन कौन से आइटम हमारे पास मौजूद है। जैसे मान लीजिए माउस है 600 आइटम, तो 500 आइटम हम सेल कर दे रहे हैं, तो यहाँ से 500 आइटम माउस के भी हम सेल कर रहे हैं और एक आइटम हमें पड़ रहा है 320 रुपए का। ठीक है, तो ये 320 के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इन दोनों आइटम्स पर हमें अलग अलग टैक्स रेट देना था, लेकिन अब हम जैसे ही यहां पर आते हैं, ये देखिए यहां पर आए तो यहां पे CGST लगाते हैं और यहां पर SGST लगाते हैं, सेम स्टेट के लिए यही होता है। ठीक है, तो यहां पे SGST लगा दिया। अब यहां पर टैक्स का स्लैब देखेंगे अल्ट ए प्रेस करके, तो यहां पर आप देख पाएंगे, फिर अल्ट F1 प्रेस करता हूं, तो यहां पे पूरा का पूरा टैक्स रेट आप देख पाएंगे कि किस हिसाब से ये टैक्स अप्लाई हुआ है। देखिए यहां पर ये 14% के हिसाब से अप्लाई हो गया, यानी कि जो हमने 28% दिया था वही टैक्स रेट इस पे अप्लाई हो गया है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं अलग अलग आइटम पर अलग अलग टैक्स रेट लगाना। तो यहां से बाहर आ जाइए और यहां से हमें आना है कहां, इन्वेंटरी इन्फो पर इंटरफेस कीजिए और यहां से आ जाना है स्टॉक आइटम पर और यहां पर अल्टर मोड में आ जाइए, कीबोर्ड पर आ जाइए। ये कीबोर्ड पर आ गए हम, इंटरफेस कीजिए। यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर स्टेटरी इंफॉर्मेशन में जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको आप कर दीजिए यस। ये जैसे ही यस करेंगे तो ये कीबोर्ड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड, इसका HSN कोड आप डाल सकते हैं, फिलहाल मैं अभी HSN कोड नहीं डाल रहा। और यहाँ पर रखना है आपको ऑन वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे रखना है आपको टैक्सेबल, यहाँ से टैक्सेबल कर दीजिए। अब इस पर मान लीजिए कि 21% का टैक्स रेट अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 10.5 के हिसाब से ये डिवाइड हो गया। एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और ये हमने कर लिया इसको। ठीक है, अब दूसरा आइटम हमने लिया था माउस, माउस को भी देख लेते हैं, एंटरप्रेस करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर वाई प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर कर लिख देता हूँ माउस, चूंकि आइटम का नाम माउस है तो यहाँ लिख दिया हमने माउस। एंटरप्रेस किया, यहाँ पे आप रख सकते हैं HSN कोड डाल सकते हैं। एंटरप्रेस किया, यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे। अब यहाँ पर जो टैक्स रेट अप्लाई होगा, मान लीजिए कि ये टैक्स रेट जो है 18% का अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 18% लगा दिया, 99% के हिसाब से डिवाइड हो गया। अब इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने। अब वापिस चलते हैं कहाँ, उसी सेल्स वाउचर में चलते हैं, तो वी प्रेस कर देता हूँ, F8 प्रेस कर देता हूँ, आ जाएंगे सेल्स वाउचर में। यहां पर हमने लगा दिया रेफरेंस नंबर, एंटरप्रेस किया, यहां पर जो हमारी डेटर पार्टी थी उसका नाम था अविनाश डी, तो ये ले लिया हमने, कंट्रोल ए प्रेस किया, यहां पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ गया। अब यहां पर क्या करना है आपको, जो भी कीबोर्ड लिया आपने तो कीबोर्ड ले लीजिए, और 1400 आइटम में से 1300 आइटम हम सेल कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए 1300 आइटम सेल कर रहे हैं, एक ही कीमत हम क्या लगा रहे हैं 370 रुपए।
370 रुपए का एक, तो इसके हिसाब से टोटल आ गया। और फिर यहाँ पर माउस की बात करेंगे तो ये माउस ले लिया, माउस 600 में से 500 आइटम माउस के हम सेल करेंगे और 270 रुपए प्रति आइटम्स के हिसाब से यहाँ पर हमने माउस को भी ले लिया है। अब यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए सीजीएसटी का अमाउंट और ये देखिए एसजीएसटी का अमाउंट, दोनों का अमाउंट आप गौर कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों का अमाउंट हो गया। टैक्स का स्लैब देखने के लिए अल्ट के साथ ए, फिर अल्ट के साथ F1 प्रेस कीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 10.5% यानी कुल मिला के 21% के हिसाब से जो टैक्स रेट लगा है वो कीबोर्ड पे लगा हुआ है, और माउस पे कितना लगा हुआ है 9% के हिसाब से लगा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी, अलग अलग आइटम पर अलग अलग कैसे टैक्स रेट लगाते हैं, ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।